तकरीबन आपका भाई जो है वो आधा किलोमीटर जो है ना वो पैदल ही सफ़र इसी का इस साइड पे मैंने जाना है और चंद कदम आगे ही है वो इसी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अब्बास बिन हाशिम एक छोटी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपका भाई जा रहा है ओईसी के ऑफिस, वहाँ पे एक पार्सल आया है, वो जाके एक भाई को देना है। बेसिकली ये जो पार्सल है मेरे दोस्त के भाई को पहुँचाना है उधर कोरिया में। तो सबसे पहले देखते हैं पार्सल कौन सा आया है, तो फिर जाके वहाँ पर दे कर आ जाएंगे। ये पार्सल आया है जो हमने ओईसी के ऑफिस भेजना है। मुझे जो लग रहा है ये बेसिकली कोई शूज़ टाइप होंगे। अभी इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। डब्बे को मैंने ओपन किया है और देखते हैं इसमें क्या है। खुल जा सिम सिम। वाव, क्या यार ज़बरदस्त चीज़ है और बिल्कुल लाइट वेट है ये, बिल्कुल लाइट वेट। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको पहन ही नसीब करे। और बस उधर ठीक ठाक से ये पार्सल पहुँचे, मैं अभी बस जाने लगा हूँ इसको वहाँ पर देने। अभी मैं निकलने लगा हूँ ओईसी के ऑफिस से। यहाँ से बाइक पे जाएंगे मेन तक, फिर मेन से जो है ना वो मेट्रो बस पे बैठ के वो सीधा हम जाएंगे ओईसी के ऑफिस। मेन पे मैं आ गया हूँ और अब ये पुल जो है क्रॉस कर रहे हैं, फिर दूसरी साइड पर जाएंगे जी। तो यहाँ पे आपका भाई वेट कर रहा है अपनी बस का, जो ही आती है तो फिर इसमें बैठ के हम चलते हैं जी। तो बस पे मैं बैठ गया हूँ, बारिश हुई है, बहुत ही मज़ेदार बाहर जो मौसम है माशाल्लाह, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और ये मेरा पार्सल है जो मैं भाई को देने जा रहा हूँ, बस पहुँचने वाले हैं। और ये है आपका भाई, देखें माशाल्लाह कितना रश है। और यहाँ पे बस एक मिनट के लिए जो है वो ब्रेक लगाई है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप था। देखिए पहाड़ बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रहे हैं जी। तो ये था मेरा स्टॉप और ये थी बस जिस पे मैं बैठ गया था, 0 पॉइंट है ये। और अब यहाँ से पुल क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। रोज़ा रखा हुआ है आपके भाई ने। और यार ये माशाल्लाह सीन चेक करें, ये नेचुरल ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद। जैसा आपको बताया है कि बारिश हुई थी और बहुत ही जो है ना वो पुरसकून सा मौसम हो गया है। ये आपका भाई जो है वो पुल क्रॉस कर रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है। वेलकम बैक टू माय वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ ओईसी के ऑफिस। थोड़ा सा यार पैदल जो है ना वो हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो जो हमारा ओईसी का ऑफिस है वो थोड़ी सी आगे है। वो जो अगला यू टर्न आपको नज़र आ रहा है ना वहाँ से होना है। एक तो जो पहला है जहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो यू टर्न, ये आप मरीवल वाली साइड पे यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद श्रीनगर हाईवे है और वो जो सामने दूसरी है वहाँ पे मैंने जाना है। बस अभी जल्दी जल्दी चलते हैं और वहाँ पर भाई को ये दे के तो हम फिर वापस आएँगे। ये है जी साइन बोर्ड ओईसी का, इस साइड पे मैंने जाना है और चंद कदम आगे ही है ओईसी का ऑफिस, वहाँ पे भाई से मिलते हैं। क्योंकि रोज़ा है इसलिए भाई से पूछ भी नहीं सकते कि भाई कुछ खाएं पिएंगे क्या मामलात हैं। बाकी ये है कि इस्लामाबाद का इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो मेरी यही कोशिश है कि जल्दी जल्दी से भाई को ये दें क्योंकि तकरीबन चार बजे का टाइम हो गया, चार बज चुके हैं। तो और हम घर जा के रोज़ा भी अफ्तार करना है। यार वो भाई की कॉल आ गई है, वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना मैं जल्दी में हूँ, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि जल्दी जल्दी जाएं। मेरे ख्याल से वो सामने वाले भाई हैं, उन्होंने हाथ से इशारा भी किया है। बस ये उनको देते हैं और हम भी फिर वापस चलते हैं। भाई को पार्सल मैंने दे दिया है, जैसा कि नज़र आ रहा है आपको पार्सल मैंने दे दिया है। आपके भाई के हाथ जो है ना फ्री हो गए हैं, अब जो है वापस चलते हैं, मेट्रो बस पे बैठते हैं। यार वो भाई को असल में बार बार जो है ना वो कॉल पे कॉल आ रही थी, वो कह रहे थे कि असल में ना उनकी आज की फ़्लाइट है, ये जो कोरिया जाते हैं ना स्टडी वीज़े की बेस पे जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं वैकेंसीज, तो ये लास्ट डे ना उनको जो है
यहाँ से टिकट या वीज़े वाला जो सीन है वो अलाउ करते हैं, तो फिर जो यहाँ पे आके तो अपना वीज़ा लेते हैं, तो उसी रात जो है ना इनकी फ़्लाइट होती है, इसलिए उनको ज़रा जल्दी थी, तो मैं भी जो है ना वो टाइम पे पहुँच गया था। तो अल्लाह के फजल से जो है वो मैंने पार्सल उस भाई को दे दिया। ये है पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये उसकी नेचुरल ब्यूटी है, ये देखें रोड बिल्कुल साफ़ हैं और बारिश का सीन भी हो चुका है। बस अब चलते हैं मेट्रो पे बैठते हैं और घर चलते हैं। तकरीबन आपका भाई जो है वो आधा किलोमीटर जो है ना वो पैदल ही सफ़र इस साइड को भी किया था जाते हुए और वापसी भी। और जब मैं यहाँ से गया था तो फिर मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी क्योंकि भाई की कॉल पे कॉल आ रही थी, तो भागते हुए गया था। तो अभी जो है वो सांसें बरकरार नहीं है, बस मेन रोड आ गए और पुल के नीचे चलते हैं, वहाँ से अपनी मेट्रो लेते हैं और चलते हैं गंगाल स्टॉप अपनी शॉप पे वापस। यार वापसी का सीन पता नहीं किस तरह से होगा। एक भाई से पूछा है कि जो मेट्रो बस है वो यहाँ पे आएगी या नहीं, वो बता रहा है कि यहाँ पे नहीं आएगी, वो दूसरी जो रोड है वहाँ पे आएगी। ये पता नहीं क्या रीज़न है, हालांकि उतरे भी ड्रॉप भी यहीं से हुए हैं, मैंने सोचा यहाँ पे पिक भी शायद करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। वहाँ पे दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा, अभी यहाँ से उतरते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। वो जो सामने जहाँ पे लोग जमा ना उस कमरे के पास जाके आपने खड़े होना है, वहाँ पे बस आएगी। जैसा कि अब ये बस आ भी गई है तो किस्मत में होगी तो इसमें बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर दूसरी आएगी तो फिर उसमें वहाँ पर जाके। वही हमारे वाली बस आ गई है और अल्लाह के फजल करम से आप इसमें बैठते हैं, एंटर होते हैं और फिर वापस चलते हैं। इस टाइम ये कश्मीर हाईवे है, यहाँ से हमने यू टर्न लेना है और अपनी जो रोड है मेन रोड वहाँ पे हमने जाके उतरना है। और इस टाइम इस्लामाबाद का व्यूज़ चेक करें, पहाड़ बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है और उसके बाद जो मौसम है वो बिल्कुल क्लियर है माशाल्लाह। वापसी आ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि रोज़े का टाइम हो रहा है और ऑफिस से भी छुट्टी हुई है। और ये देखें बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। रिक्शे पे आपका भाई बैठ के अब जा रहा है अपनी शॉप पे। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी मेरी वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखें ख्याल। अब्बास बिन हाशिम की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।